हेलो गाइस, माय नेम इज़ साक्षी। वेलकम टू माय कोडिंग टेक्नोलॉजी चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले ब्रेक स्टेटमेंट की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ब्रेक स्टेटमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, फिर प्रोग्राम को समझेंगे। तो आप ब्रेक स्टेटमेंट इन सी, आपकी मर्जी किसी भी साइड से पढ़ लेना, ठीक है, जो आसान लगे, बस समझ आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, द ब्रेक इज अ कीवर्ड इन सी विच इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इन साइड लूप और स्विच स्टेटमेंट। जैसे हमने देखा था, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि स्विच स्टेटमेंट में भी हमने ब्रेक लगाया था, ठीक है, और हम इसको यूज़ करते हैं। हमने बोला है कि हम इनसाइड लूप में भी यूज़ करते हैं, जैसे फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, और जैसे हम स्विच स्टेटमेंट में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो द ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक्स द लूप वन बाय वन, डैट इज़ इन द केस ऑफ नेस्टेड लूप इट ब्रेक्स द इनर लूप फर्स्ट एंड देन प्रोसीड टू आउटर लूप, ठीक है। तो हम समझते हैं, आई होप ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम ब्रेक को समझते हैं, आपको प्रोग्राम की वजह से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक से। तो हम प्रोग्राम की वजह से देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। जैसे हमने थ्योरी में देखा था, तो अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने आई को डिक्लेयर करा, ठीक है, उसके बाद मैंने आई इज इक्वल टू वन करा, आई को इनिशियलाइज करा, उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई, उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट लगाया। ये हमने फोर लूप पे पढ़ा था। अब इसके बाद हमने एक लूप लगाया, लूप के अंदर एक और कंडीशन हमने लगा दी कि इफ़ आई इज़ इक्वल टू सिक्स, और फिर हमने ब्रेक लगाया, और उसके बाद प्रिंट कराई, और उसके बाद भी हमने प्रिंट कराई फोर लूप के बाद। तो अब देखते हैं, इस प्रॉब्लम को समझते हैं। पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, जैसे वैल्यू स्प्रिंट फ्रॉम, डिज़ाइन करने के लिए, बताने के लिए यूज़र को कि वैल्यू स्प्रिंट फ्रॉम 1 to 5 बिकॉज वी यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए, आउटपुट इसका आया 1 2 3 4 5, और इसके बाद जो मैंने वैल्यू जो एक डिज़ाइन करा था, इसके बाद जो मैंने मतलब डिज़ाइन जो किया था वो प्रिंट हो गया, वैल्यू इज प्रिंट फ्रॉम 1 to 5 बिकॉज वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट। तो अब देखते हैं प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आई को डिक्लेयर करा, उसके बाद इनिशियलाइज करा आई इज इक्वल टू 1, फिर मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई कि आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट लगाया। अब वो चेक करेगा, जब आई इज इक्वल टू 1 है, फिर वो 1 कम है या इक्वल है 10 के, 1 कम है 10 के, ठीक है, फिर वो ये चेक करेगा। तो इसके अंदर एक और कंडीशन हमारी इफ़ की, तो हमने चेक करा क्या 1 बराबर है 6 के, इसका मतलब होता है इक्वल, क्या 1 इक्वल है 6 के, तो 1 इक्वल तो नहीं है 6 के, तो ये इफ स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा। प्रिंट एफ में आई को ये वैल्यू स्टोर कर देगा, तो आई में हमारी वैल्यू क्या है 1, ठीक है, तो आई में 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद फिर ये फोर लूप पे जाएगा, आई का इंक्रीमेंट होगा 1 + 1 2, तो 2 इज़ द लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। तो उसके बाद ये फिर चेक करेगा क्या 2 इक्वल है 6 के, नहीं 2 इक्वल नहीं है 6 के, ठीक है। तो उसके बाद ये फिर से आई में अब क्या जाके स्टोर करेगा 2, ठीक है। अब आई का फिर इंक्रीमेंट होता है, आई इंक्रीमेंट करके 2 + 1 3, अब 3 इज द लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। सो देन आफ्टर, क्या 3 इक्वल है 6 के, यस नो, सॉरी 3 इक्वल नहीं है 6 के,
तो ये अभी नहीं जाएगा, तो ये 3 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आई का फिर इंक्रीमेंट होता है 3 + 1 = 4, 4 इज़ द लेस देन इक्वल टू 10, यस, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 6, सो ये फिर से 4 को प्रिंट करेगा। उसके बाद 4 + 1 = 5 होगा, 5 इज़ द लेस देन इक्वल टू 10, यस, कंडीशन इज़ ट्रू, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो ये 5 को प्रिंट करेगा, इस कंडीशन में नहीं जाएगा। उसके बाद 5 + 1 = 6, 6 इज़ द लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज़ ट्रू। अब इसके बाद वो चेक करेगा क्या 6 इक्वल है 6 के, तो हाँ 6 तो इक्वल है 6 के, तो अब वो ब्रेक कर देगा, यानी कि कंट्रोल हमारा और फॉर लूप सिर्फ 1 से लेकर 5 तक एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। ब्रेक जैसे ही उसे दिखा वो लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये डिज़ाइन करने के लिए ये वैल्यू बताई है यूज़र को कि 1 से लेकर 5 तक वैल्यू प्रिंट होएगी, ठीक है। हम चाहे तो ना भी लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी वैल्यू 1 से लेकर 5 तक ही प्रिंट होएगी, क्यों, जैसे ये 6 इक्वल होगा 6 के, इसने लगाया, इसने देखा कि यहाँ पर ब्रेक है, उसके बाद ये कंट्रोल लूप से बाहर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अगर हम ऐसे यहाँ पर 5 लिखते तो ये 5 तक ना प्रिंट करके 1 से लेकर 4 तक वैल्यू प्रिंट करता। तो देखिए जैसे कि इसने 1 से लेकर 4 तक वैल्यू प्रिंट करी। तो आई होप आपको यह प्रोग्राम समझ में आएगा कि ब्रेक स्टेटमेंट का कैसे यूज़ होता है। तो थैंक यू गाइस, अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल कोडिंग टेक्नोलॉजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू गाइस।